Now let's start with the root. So root is typically non-green, underground descending part of the plant axis. Okay? It is typically non-green. Non-green क्यों है root? Because क्लोरोफिल जो होता है इसमें एब्सेंट होता है. व्हाई इट इज नॉन ग्रीन? बिकॉज क्लोरोफिल एब्सेंट एंड इट इज अंडरग्राउंड. इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड. सो अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है, एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस. अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, राइट, एंड इट डिवॉइड ऑफ. इसमें क्या होगा? नोड्स नहीं होंगे, इंटरनोड्स नहीं होते. रूट्स में क्या होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स बोथ एब्सेंट. नोड्स भी नहीं होगा, इंटरनोड्स नहीं होंगे. नोड्स नहीं है तो लीव्स भी नहीं होगा, और लीव्स नहीं है बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज नॉन ग्रीन. इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है तो लीव्स भी नहीं है. बर्ड्स भी नहीं होते इनमें, बर्ड्स भी नहीं होते. बट यस, इन सम रूट्स एक्सेप्शनली द एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट. यार एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन सम रूट्स एक्सेप्शनली फॉर द पर्पसेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कुछ रूट्स में क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल डेलबर्जिया, स्वीट पोटैटो, वुड एप्पल. लेट्स राइट फ्यू एग्जाम्पल्स. डेलबर्जिया, स्वीट पोटैटो, वुड एप्पल. हियर द रूट्स आर पॉपुलर. पॉपुलर ट्री, पॉपुलर नहीं, पॉपुलर, पॉपुलर. सो हेयर द बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स एंड सच बर्ड्स आर नोन एज द एडवेंटिशियस बर्ड्स विच हेल्प्स देम इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. वेजिटेटिव मैंने वीईजी स्टैंड फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यहाँ पे सिर्फ वीजी लिखा हुआ है. तो इसमें जो है लीव्स एंड बर्ड्स एब्सेंट रहेंगे. अब एट द अपेक्स रूट इज कवर्ड बाय द रूट कैप. रूट अपेक्स जो होता है एट द टिप, रूट अपेक्स इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ रूट कैप. ठीक है, रूट कैप से कवर्ड रहता है. रूट कैप के जस्ट बिलो द रीजन इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द ग्रोइंग पॉइंट. सो द बिलो द रूट कैप द रीजन इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द ग्रोइंग पॉइंट. तो हम कह सकते हैं अगर हम ग्रोइंग पॉइंट की पोजिशन देखें, सो वट विल बी इट्स पोजिशन? इट इज सब एपिकल इन पोजिशन बिकॉज एट द अपेक्स इट इज रूट कैप इज प्रेजेंट. सो सब एपिकल पोजिशन किसका हो गया? इट इज ग्रोइंग पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन. अभी इसके बाद वी विल डिस्कस, वी विल सी द डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट इन रूट्स, राइट. नाउ द रूट्स दे शो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. वट डज इट मीन? मीन्स दे बैंड्स अवे, दे बैंड्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वॉटर. जहां भी पानी रहेगा ना, रूट उस तरफ बेंड हो जाती है. दैट इज वाई इट इज नोन एज द पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. यस, द रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मीन्स दे बेंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. लाइट ऊपर से आ रही है बट रूट इज ग्रोइंग इन साइड द सॉइल, सो दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड यस दे शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. पर बच्चों एकदम ध्यान देना कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट रूट में जो होता है मेन रूट में होता है. आपने रूट देखा होगा, एक रफ स्ट्रक्चर में यहां बनाती हूं. सपोज ये शूट सिस्टम है, ये रूट है, ठीक है, दिस इज मेन रूट. नीचे की ओर आ रहा है सॉइल के अंदर. सम रूट्स जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं दे लाइन इन डिफरेंट एक्सिस. दे आर स्प्रेडिंग इन द हॉरिजॉन्टल रीजन्स लाइक दिस इन डिफरेंट. दे लाई एट एन एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे
This is the main route or the primary route. This is the secondary route जो मैंने बनाया and these are the tertiary routes. So आप देख रहे हो कि it is only the main route which is positively geotropic. तो कभी भी आप जब question attempt करो, ध्यान दो कि question के options क्या-क्या हैं, ठीक है? So only the main route is positively geotropic, but otherwise बाकी जो routes हैं आप देखोगे, they grow in other directions, in different directions. कुछ जो होंगे वो नीचे भी आएंगे सम सेकेंडरी और टर्शरी रूट दे मे शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मोमेंट बट नॉट ऑलवेज इट इज ओनली द मेन रूट विच शोज द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मोमेंट इसको आप ध्यान दीजिएगा सो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मोमेंट शोज बाय द मेन रूट नेक्स्ट The root branches, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी structure दिखाया, root branches they lie at an angle, एक angle form करते हैं, so you can write this information here, said that root branches lie at an angle, ठीक है? ये तो हो गया अब मैं शुरू करूंगी आई विल स्टार्ट विद अ डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट इन द रूट रूट में क्या होता है इट्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस जोन्स तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज जोन्स वन बाय वन हियर आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ द रूट जोन सपोज दिस इज द रूट विच आई एम ड्रॉइंग हियर इसके एपेक्स पे मैंने बताया कि रूट एपेक्स होता है इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप सो दिस इज रूट कैप ठीक है रूट कैप के जस्ट नीचे मीन्स एट द एपिकल पोजिशन विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट रूट नीचे की ओर ग्रो कर रहा है तो अब यहां पे एपिकल पोजिशन हम क्या कहां देखेंगे यहां ये मत सोचना कि ये एपिकल पोजिशन है नो दिस इज द बेसल रीजन दिस इज द बेसल रीजन ऑफ द रूट ठीक है बेसल रीजन ऑफ द रूट ग्रोथ किस तरफ होती है जिस तरफ ग्रोथ होगी तो जो फोरमोस्ट पॉइंट होता है ग्रोथ साइड का ठीक है दैट इज द एपिकल पोजिशन यहां पे रूट क्या हो रही है नीचे फिर ग्रो कर रही है तो रूट की जो एपिकल पोजिशन होगी वो क्या होगी रूट कैप होगी राइट सो दिस इज द बेसल रीजन दिस इज द एपिकल रीजन तो इट इज द रूट कैप विच इज प्रेजेंट एट द अपेक्स ठीक है रूट कैप Which is also known as calyptra. Root cap को क्या बोलते हैं Calyptra भी कहते हैं It is derived from the Greek word calyptra. K-A. वो Greek word होता है K से start होता है यहां पर हमने लिखा हुआ है C से ठीक है This means covering. Below the root cap in the subapical region, there is a region which consists of meristematic tissue and the region is known as the zone of meristematic tissue or the growing point. इसका अगर हम size measure करें generally it is 1 millimeter in size. So you can write this the zone of meristematic region, zone of meristematic region. ठीक है? This I am discussing the different zones or regions present in roots. So, zone of meristematic region ki jo length hogi, it is around 1 millimeter long. Iski jo length hai. Zone of meristematic region ki जस्ट ऊपर द रीजन विच इज प्रेजेंट इट इज नोन एज द जोन ऑफ इलोंगेशन हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं दिस इज द रीजन विच इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन एंड अवर इसके बाद आप देखोगे कि देर आर मैनी रूट हेयर्स प्रेजेंट These are the root hairs present
This region is known as zone of maturation or root hair zone. So this is the zone of maturation or root hair zone. क्योंकि root hair खाली इस area में present रहता है, बाकी जो नीचे जो तीन areas हैं जो उनसे हमें root hair present नहीं है. This is root hair. So this is the different zones or the reasons present in the root. Let's discuss each one by one. So first I am going to discuss the root cap. तो मैंने बताया था कि root cap is also known as calyptra. It is present at the tip of the root. एकदम root के tip पे present रहेगा. This is multicellular and parenchymatous structure. Root cap is multicellular. ये multicellular होता है and it is made up of parenchymatous cells. Parenchymatous structure है ये. But root cap is not parenchymatous structure. It is a non-universal structure. Non-universal का मतलब क्या हुआ? It is not present everywhere in each root. हर जगह root में root cap present नहीं रहेगा. So it is a non-universal structure in the present in the roots. Non-universal means it is not present in all the roots. For example, जैसे कि it is absent in parasitic roots. It is absent in parasites. It is absent in epiphytic roots, epiphytes or epiphytic roots. Epiphytes क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था. Epiphytic plants are those plants which grow on the other plants for the support, for the space. They can make their own food. Epiphytic plants do in epiphytes. Epiphyte grow on the other plants for space. They can make their own food, and that is why epiphytes are also known as space parasites. That I have already discussed this with you. Okay. Now, जो root cap होते हैं ना, they have the ability to secrete mucilage. Root cap, they secrete mucilage. क्या होता है? Mucilage secretion से क्या फायदा होगा कि जब ये root क्या होती है, soil के नीचे की तरफ grow होती चली जाती है, तो mucilage secrete करते समय क्या हो, जब ये secrete करेगा, तो this mucilage जो है, it causes ये जो है जो lubrication of the soil, causes the lubrication of the soil, and this lubrication of the soil makes the passage of the root easier. ठीक है, root की growth का जो passage होता है उसको वो easy बनाता है. Otherwise दूसरा क्या होता है, friction होगा root part, जो roots soil particles होते हैं उससे जो है root का, जैसे root नीचे grow करेगी, सबको चार और जो है soil particles present हैं. ठीक है, और ये root नीचे grow करती जा रही हैं, ये root क्या apex से present है, soil particles से इसका घिसेगा, friction होगा. Friction होने से क्या होता है, there will be the loss of the cell. सेल जो रूट कैप में सेल्स हैं, ये इनका लॉस होगा, दे विल गेट इंजर्ड, रूट कैप कैन बी इंजर्ड. ठीक है, सो टू मेक द पाथ इजियर, टू मेक द पाथ ऑफ द रूट इजियर, दिस लुब्रिकेशन इज एसेंशियल एंड द लुब्रिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूसिलेज विच इज सिक्रीटेड बाय द रूट कैप. तो रूट कैप क्या होता है, म्यूसिलेज सिक्रीट करता है, which helps in making the passage easier. It makes the path of root in the soil easier. ठीक है, अब मैंने बताया कि जब root का friction होगा soil particle से, ठीक है, root का friction होगा तो क्या होगा, कुछ cells damage होंगे, लेकिन these damaged cells can be, या root cap damage हो सकता है, root cap injured हो सकता है, there may be the chances to get the injury for the chances of the injury of the root cap, and this injury of the root cap is, it can be replaced, it can be repaired, the injury of the root cap can be repaired. ठीक है, so root cap, injured root cap is replaceable. कैसे, क्योंकि root cap के just below
there is a drone of meristematic lesion present, meristematic cells present. Drone of meristematic cells present. These cells, I will tell you, they will keep on dividing and keep on adding cell to the root cap zone and keep on adding cell to the zone of elongation. Okay, we will see it. Right? So, what will happen? Root, we can say that due to the zone of meristematic lesion, or it is also known as the growing point. Isko growing point pe kehte hain. So, due to the presence of the growing point, the new cells, they continuously being added to the root cap lesion. Therefore, the injured root cap can be replaced. You can write this information. Injured root cap can be replaced. Injured root cap can be replaced. Okay? Now let's see the number of root caps. Number of root caps. Root cap ka number generally roots mein ek generally ek root mein ek hi root cap present rehta hai. But there are some cases where you can get more than one root cap. So generally one root cap is present. It is a common condition or commonly one root cap is present, but sometimes more than one root cap is present in some plants. For example, screw pine. You can write this example, screw pine. Its scientific name is pandanus. Its botanical name is pandanus, right? Now, what is the function of root cap? So, root cap ka function kya hota hai? So basically, I have told you that its function is protective function. It protects the root from the damage because it is replaceable. So, jo bhi damage root ko ho raha hai, kahan pe ho raha hai, root cap niche grow karta ja raha, soil particles infection ho raha hai, and it is getting damaged. But this damage can be repaired with the help of the continuously adding cells by the growing point. So, the first function is that it is protective in nature. So first function is protection, and second is the secretion of mucilage. So it is second function is secretion, and this mucilage secretion it lubricates the soil, which makes the path of the root easier in the soil. Now in some cases, at the place of the root cap, a special type of structure is present, which is known as the root pockets in hydrophytes. In hydrophytes मैंने बताया था कि बेटा hydrophytes are the aquatic plants which grow in water. वहाँ पे क्या होगा? Root cap की जगह root pockets present होते हैं, right? If मैं hydrophyte आपको दिखाती हूँ, the structure of hydrophyte इस तरह से root cap आप root pocket देखोगे. Suppose these are the foliage, these are the leaves of the root, these are the roots, these are the leaves of the plant, and these are the roots. Here this triangular structure is present, which are known as the root pockets. These are root pockets, and they act as balancers. ये balancer का काम करते हैं. Means मैंने बताया कि they are aquatic plant. पानी में ये पौधे grow कर रहे हैं. तो पानी में इनको balance करने में these root pockets will help. That's why they are also known as they play the function of balancers, right? A balancer, just like I told you, root cap can be replaced. Injured root cap can be replaced, but injured root pockets cannot be replaced. This is the difference between root pocket and root caps. Injured root pockets cannot be replaced, whereas the injured root caps can be replaced. So, जल्दी से आप इस इंफॉर्मेशन पे लिखिए. इंजर्ड रूट पॉकेट्स कांट बी रिप्लेस्ड. इंजर्ड रूट पॉकेट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट. रूट इज
a typically non-green underground descending part of the plant axis, and it bears it does not bear nodes and internodes. So it is typically ek to ye non-green hoga. Non-green hoga kyun? Kyunki isme chlorophylls jo hain absent hote hain. It is underground part, and it is agar iske shape dekhen to it is cylindrical in shape. Generally root ka jo shape hota hai, it is cylindrical in shape, and nodes and internodes jo hai isme absent hote hain. It is the ascending, it is the descending part of plant axis. ठीक है, and nodes and internodes are absent. इसमें जो है nodes और internodes जो है they are absent. इसमें leaves और buds भी absent होते हैं. Leaves and buds also absent. लेकिन there are certain cases where the roots are present, where the adventitious roots are present to perform the vegetative propagation, right? तो कुछ एक cases में आप देखोगे कि adventitious roots present होते हैं root में. Adventitious roots present होते हैं and adventitious buds are present. ठीक है, in some cases adventitious buds present, for example in sweet potato. स्वीट पोटैटो में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि स्वीट पोटैटो हो गया, डेलबर्जिया हो गया, वुड एप्पल, पॉपुलर, इन सारे प्लांट्स में क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इन द रूट्स. स्वीट पोटैटो, डेलबर्जिया, ओके, एंड वुड एप्पल, पॉपुलर, इन ऑल दीज प्लांट्स adventitious buds are present on their roots. Now roots, they show sometimes, generally agar inke tropic movement dekhe to in case of roots they show positively hydrotropic movement. Positively hydrotropic movement matlab kya hua ki they bend towards the source of water. Theek hai, jahan pani rahega root us taraf बैंड हो जाएंगे. एंड दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मीन्स दे बैंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. यस, व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. लेकिन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक में विच पार्ट ऑफ द रूट इज जियोट्रॉपिक? आपने देखा है जैसे एक रूट का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहां पर, सपोज दिस इज अ रूट, this is the main root, this main root, from this main root many lateral branches arises, these are arising, and from these lateral branches further many other branches are arising here. So this root is showing the positively geotropic movement, but are these do these roots are showing the positive geotropic movement? No. So it is only the main root which shows the पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट. जो मेन रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है. एंड द रूट ब्रांचेस दे लाई एट एन एंगल. आप देख रहे हो जो रूट ब्रांचेस हैं, दे लाई एट एन एंगल, दे आर फॉर्मिंग सम एंगल. सो रूट ब्रांचेस लाई एट एन एंगल. नाउ द रूट टिप, द अपेक्स ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय द रूट कैप. रूट अपेक्स इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रूट कैप. एंड बिलो दिस रूट कैप द सो एंड ऑन द अपिकल, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द रूट कैप? इट इज अपिकल इन पोजिशन. एंड जस्ट बिलो द रूट कैप देर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ द meristematic cell, and that region is known as the growing point, which is sub apical in position. ठीक है, it is sub apical in position. Now let's discuss the different zones of the root. Now regions of the roots, regions of the root.
तो हम देखते हैं कि एक रूट में कितने कितने रीजंस होते हैं. हेयर आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट. दिस इज द एपिकल पॉइंट विच इज जो एपिकल रीजन है विच इज प्रोटेक्टेड बाय विच इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज नोन एज द कैलिप्ट्रा और रूट कैप. दिस इज रूट कैप which is also known as calyptra. Below the root cap की position क्या होगी? It is apical in position. This is the apical. Root नीचे की ओर जा रहा है तो जिस तरफ growth हो रही है that point is the apical point. So here this upper point is not the apical point. This is the basal region of the root. ठीक है, ये root का जो है ये basal region है and root cap वाला जो region होता है it is the apical region, right? तो रूट कैप के जस्ट बिलो देयर इज अ रीजन प्रेजेंट इन विच लॉट्स ऑफ मल्टी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट एंड दिस रीजन इज नोन एज द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, दिस रीजन अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो दिस रीजन इज सब एपिकल इन पोजीशन. ये रीजन क्या है? इट इज सब एपिकल इन पोजीशन. इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग, राइट? और ये जो क्या होंगे डिवाइड करेंगे तो दे विल कंटिन्यूअसली एडिंग सेल्स ऑन द बोथ साइड टूवर्ड्स द root apex region towards the root cap as well as towards this the upper region. So the agar hum iski thickness ki baat karte hain, iski length ki baat karte hain ki kitna area it covers, how much area of the root it covers, so it is around 1 millimeter in length. So what is the length of the zone of mesmetic tissue? It is 1 millimeter, right? And just above this zone of mesmetic tissue the region which is present is known as the zone of elongation. Zone of elongation which is 4 to 8 millimeter jiski length hoti hai 4 to 8 millimeter length. Long region is the zone of elongation. Uske baad the proximal region proximal region which is proximal to the zone of elongation is known as the zone of maturation which consists of many root hairs. यहाँ पे आप देखोगे कई सारे root hairs present होते हैं in this zone. This zone is known as zone of elongation. ठीक है, this zone where the root hairs are present is known as the zone of elongation. So this region is known as zone of elongation. और यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे root hairs present होते हैं and due to this, it is also known as root hair zone. इसको क्या बोलेंगे? Root hair zone भी कहेंगे. ठीक है? तो ये चार जो है कि these are the four regions which are present in the root. Let's discuss each region one by one. First is root cap. First region is root cap or also known as calyptra. Calyptra is derived from the Greek word calyptra which means the covering. ठीक है, तो calyptra जो होता है it covers the root cap. It is made up of multicellular parenchymata cells. तो it is multicellular. It is made up of multicellular parenchymatous. Cells. It is root cap जो होता है या calyptra. It is non-universal feature of the root. It is a non-universal feature of the root. What does it mean? Non-universal feature का मतलब क्या होता है? कि root cap is always not present in all the roots. It is not an essential part of the root. It may be absent in some roots. ठीक है?
कहीं कहीं रूट्स में रूट कैप एब्सेंट भी हो सकता है. लेट्स सी एग्जांपल ऑफ सम रूट्स वेयर दोज रूट्स वेयर द रूट कैप्स आर एब्सेंट. एग्जांपल पैरासिटिक रूट्स इन पैरासाइट्स रूट कैप्स आर एब्सेंट एंड इन एपीफाइट्स रूट कैप्स आर एब्सेंट. मैंने बताया था एपीफाइट्स को आपको कि एपीफाइट्स दे आर द स्पेस पैरासाइट्स विच ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द स्पेस नॉट फॉर द फूड because they are already green plants, they can synthesize their own food, right? Now, this Calyptra, it is the reason of gravity perception, okay? It is the reason, Darwin and Darwin, two scientists of the early days, they told that the root cap or the Calyptra is the reason of gravity perception. This was discovered by Darwin and Darwin, right? Now, ये जो root cap है, the cells of these root caps they secrete mucilage. ये क्या करते हैं? ये mucilage secrete करते हैं. They secrete mucilage. और mucilage का काम क्या होता है? Mucilage basically जैसे मैंने बताया कि root cap जो होता है, it is the tip, the apical position. It is present at the tip of the root. तो जब root grow करता है ना soil में, तो soil particles present होते हैं. Soil particles से क्या होगा? Friction हो सकता है. तो root cap जो होता है, वो ये root को protect करता है. लेकिन friction से बचाने के लिए, soil particle अगर dry रहेगा, तो friction ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो friction to reduce the friction, ये जो mucilage है, this mucilage it lubricates the soil particles. Mucilage क्या है? उस soil को lubricate करेगा जहाँ पे कि root जो है grow कर रहा है. The reason where the root is growing, inserting inside the root soil. So this mucilage इसका काम क्या होता है? It lubricates the soil so that it will help in making the passage of the root easier. ठीक है? So root का it makes the root passage in the soil. In soil easier, ठीक है? It makes the root passage in soil easier, right? अब जो है, इसमें मैंने बताया root cap के just below there is the growing point present और meristematic zone is present. Meristematic zone of meristematic tissue is also known as growing point. So this growing point it will keep on जब root नीचे soil में grow करेगा तो friction होगा तो जो root cap के cells हैं they can be damaged. So these injured root cap can be replaced, ठीक है, by the cells of this growing point. So injured root cap can be replaced, right? उसके अलावा let's see the growing points. It growing points it keep on adding growing points जो है which is subapical in region keep on adding new cells to root cap region. ठीक है? To the region of the root cap. Now number of root caps. Root cap का number generally in most of the plants the number of root cap is one. Most of the plant में number of root cap is mostly it is one. ठीक है? But in some cases there are more than one root cap is present. For example in screw pine or pendanus. Screw pine its scientific name is pendanus. ठीक है? Now there are certain plants where the root caps are absent. Instead of root cap, there the root packets are present, a special structure, root packets, which helps them in balancing in the water. Because root packets, root pockets, they are present in the hydrophytic plants. So in few hydrophytes, hydrophytes are those plants which grow in aquatic habitat which grow in water. Suppose here I am showing you a structure.
of the hydrophyte. Suppose this is a hydrophyte, these are the leaves and these are the roots, and these roots, they contain triangular structure which are known as the root pockets. These root pockets, they help, they function as the balancers. These are the root pockets. Instead of the root cap, here the root pockets are present. They function as a balancer. Ye kyunki, because they are growing in water, so water mein inko ye balance karne mein help karta hai. Now, what is the difference between root pocket and root cap? Root cap ke maine bataya ki root cap can be replaced. Injured root cap can be replaced, but injured root pockets cannot be replaced. This is a very important difference between these two, that injured root pockets can't be replaced. Right? Injured root pocket jo hota hai, wo replace nahi ho sakta. Theek hai? Second is meristematic zone or the zone of the meristematic tissue. So, second hum lete hai meristematic zone. This is subapical in position. ये सब पोजीशन में सब एपिकल होते हैं, दे आर सब एपिकल इन पोजीशन, एंड दीज मेरिस्टेमेटिक, द जोन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे. मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल. मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच आर स्मॉल हैं, दे आर थिन वॉल्ड, स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे. And they consist of the dense cytoplasm and the vacuole, but the vacuoles are absent. They consist of dense cytoplasm, ठीक है? और इसमें जो है vacuoles क्या होते हैं meristematic cells में? Absent होते हैं. Meristematic cells में क्या होगा? Vacuoles absent नहीं होंगे. What is the role of this meristematic zone? इसके अगर हम length देखें, thickness देखें, तो it is around 1 millimeter length. लॉन्ग, ठीक है, 1 millimeter लॉन्ग एरिया होता है. दिस इज मेरिस्टेमेटिक रीजन. अब जैसे इसमें बताया कि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेंगे? दे कीप ऑन डिवाइडिंग. ये जो है, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग. यहां पे मैंने बताया था, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड कीप ऑन एडिंग सेल्स टू द रूट कैप रीजन, एज वेल एज कीप ऑन एडिंग सेल्स टू द प्रॉक्सिमल रीजन. That is the zone of elongation, right? Next is the zone of elongation. Third zone is zone of elongation. This zone is proximal to the meristematic zone, and in this zone, the dividing the cells which are giving out by the which are given rise by the meristematic cells, they will show growth. ठीक है? ये क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन और द ग्रोइंग पॉइंट, इट विल कंटिन्यूअसली गिव राइज टू द न्यू सेल्स, एंड दीज न्यू सेल्स, दे आर कंटिन्यूअसली रिसीव्ड बाय दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? दे विल कंटिन्यूअसली रिसीव सेल्स बाय मेरिस्टेमेटिक जोन. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन. तो इन दिस वे दे विल शो, इन दिस वे दे विल शो ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. कैसे? विद रिस्पेक्ट, यहां से जब सेल्स एड होगा ना, ग्रोथ करेंगे, तो इस तरीके से नए सेल्स जो हैं, दे विल कीप ऑन एडिंग, और इस तरीके से दे विल शो ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू, दे विल शो ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द साइज, they will show elongation, root ka elongation hoga. So by continuously adding cells by the meristematic region, they will show growth with respect to size. ठीक है, और इससे क्या होगा? They will help in elongation. ठीक है, cell growth होगी with respect to the size. Now जो
जो सेल्स होंगे जो जोन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स होंगे दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक जोन. इनमें क्या होगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे एंड द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन. सो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे एंड द साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल. सो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विल बी प्रेजेंट देयर. ठीक है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. सो व्हाट इज द फंक्शन, इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जोन. पहला तो दे विल शो द ग्रोथ ऑफ रूट विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, ग्रोथ ऑफ रूट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. ठीक है, और उसके अलावा दे विल शो द अब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन. तो पहला फंक्शन तो हो गया ग्रोथ एंड दूसरा है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. इनके जो सेल्स हैं दे विल बी इन्वॉल्व इन द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. और इसमें भी वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी जो मेन फंक्शन है इट इज द मिनरल एब्जॉर्प्शन. सो मिनरल एब्जॉर्प्शन इज द मेनली परफॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ दिस जोन ऑफ इलोंगेशन.